नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं टू चैनल मशीन के ऊपर ये बलून फायर करके दिखाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि जो हीटिंग वाले फ्यूज़ है, ये इस तरह से हीटिंग वाले फ्यूज़ रहते हैं और इसकी वायर बहुत लंबी रहती है। आप देख रहे हैं, ये लगभग 3 फीट वायर है, इसकी 3 फीट लंबी वायर रहती है। तो एक मशीन पर कितने हम बलून को फायर कर सकते हैं, तो एक मशीन पे मैं 2 बलून आपको फायर करके टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे छोटा सिस्टम है जिसमें कि 2 रिसीवर रहते हैं और एक रिमोट रहता है। जैसे कि इसमें A08B लिखा है और A08A लिखा है, मतलब ए और बी, इसके ऊपर रिमोट के ऊपर भी लिखा है, इसके ऊपर भी लिखा है। तो मैं ये बी वाला यूज़ करूँगा, ये वाले को मैं साइड में रख देता हूँ। इसमें क्या रहता है, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगती है। तो ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। बैटरी को ध्यान से लगाना है, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन यदि उल्टा हो जाता है तो ये अपना सिस्टम काम नहीं करेगा। तो मैंने ये बैटरी लगा दिया है। बैटरी लगाने के बाद इसका बैक पीछे वाला कवर लगा देता हूँ, और जैसे मैं इसको चालू करूँगा तो यहाँ पर 2 इंडिकेशन चालू हो जाएंगे। तो ये एक फ्यूज़ है और ये एक फ्यूज़ है, हीटिंग वाले फ्यूज़ है, जो कि ये इसका लाइफ बहुत ज़्यादा रहता है। इसको मैंने निकाल दिया, ये अभी इसको मैं अलग अलग करूँगा। अलग अलग करने के बाद इसको मैं फोल्ड करूँगा, और ये हो गए 2। इस तरह से 2 फ्यूज़ हो गए। देखिए कितने कितने लंबे हैं ये, इसका वायर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसको मैं फुलाकर ये 2 स्टिक करूँगा और चेक करूँगा। तो मैं इसको फटाफट फुलाकर दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बलून को फुला लिया। दोनों बलून को फुलाने के बाद, ये सेलो टेप है, तो सेलो टेप की मदद से इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, आप देखोगे तो ये 2 वायर इसमें लगे हैं, और ये ऊपर की साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक कॉइल है। तो ये नाइक्रोम धातु की कॉइल है, नाइक्रोम धातु, जो कि इसको करंट देने पर ये गर्म होता है और ये बलून को एक्सप्लोड कर देता है। तो हीट के कारण ये बलून फूट जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे चिक इसको पेस्ट करूँगा, और इसको बलून के ऊपर स्टिक रहने के लिए मैं सेलो टेप को इसमें एक इसमें लगा दिया। अभी दूसरे को भी उसी तरह से मैं सेलो टेप लगा देता हूँ। ये देखिए, ये टेप से चिपकाना है, क्योंकि उसके सरफेस, बलून फूटने के लिए बलून के सरफेस पर वो चिपका रहना ज़रूरी है। देखिए, मैंने दोनों को ये स्टिक कर दिया। बलून ज़मीन पे चिपकाने के लिए मैं इसको ज़मीन के साथ में चिपका देता हूँ, ताकि ये इधर उधर न चले जाए। देखिए, इस तरह से मैंने दोनों को फ्यूज़ लगा दिए हैं, देख रहे हैं आप, देख पा रहे। और इसके दोनों के वायर में भी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको खींच करके दिखा रहा हूँ, तो दोनों इसमें अटैच है, मतलब कनेक्ट है। और आप देख रहे हैं, इधर में भी ये बलून है। देखिए, दोनों बलून को ये फ्यूज़ लगे हैं। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा, बटन को प्रेस करूँगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये बलून एक्सप्लोड होना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, एक ही रिसीवर पर 2 बलून कनेक्ट किया है। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको 2-3 बार टेस्ट किया, पर ये बलून एक्सप्लोड नहीं हुआ। मतलब सर्किट में एक ही बलून को एक्सप्लोड कर सकते हैं, एक साथ 2 नहीं कर सकते। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक को निकाल देता हूँ। देखिए, एक बलून को मैंने निकाल दिया, इस साइड वाला है, इस साइड वाले को इसको मैं अलग कर दिया। और अभी मैं एक ही को चालू करूँगा। देखिए, अभी इसमें कनेक्ट है, एक को चालू करूँगा मैं। तो जैसे एक को चालू कर दिया, तो देखिए ये बलून एक्सप्लोड हो गया। मतलब एक साथ हम एक ही कर सकते हैं, यदि 2 बलून हम कनेक्ट करते हैं तो काम नहीं करेगा सिस्टम। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक मशीन के ऊपर एक ही बलून को एक्सप्लोड कर सकते हैं, यदि एक से ज़्यादा हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो वो काम नहीं करता। तो इस एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको ये बता दिया कि आपको एक साथ एक ही बलून को एक्सप्लोड कर एक ही मशीन में आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरे में ये काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एक साथ एक ही बलून फायर हो सकता है, दूसरा यदि बलून आप फायर करोगे तो फायर नहीं होगा। तो आपको जितने बलून लगाना है उतने आपको रिसीवर लगाना ही पड़ेगा।